हेलो गाइस, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत करते हैं वीडियो में। आज हम आए खेत में भाई लोग, और पानी से बहुत परेशान हो चुके हैं हम। इस प्रकार देख सकते हैं, दोनों साइड नहर को बांध करके बहुत ही आफत, एक घंटे करीब हो चुका है हम आफत कर रहे हैं। तो हमें ले जाना है नाली से पानी, हमारे यहाँ इसको डांड कहते हैं, इससे पानी हमको ले जाना है हमारे खेत में। तो करीबन आधे घंटे हो चुका है पानी हमने बंद किया दोनों साइड, तो अभी तक हमारे खेत में पानी नहीं पहुंचा, और करीबन 10-15 मिनट और वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमारा पानी जो खेत में पहुंचेगा। उसके बाद हम खेत में उलाई करेंगे गेहूं की, जो हमारे गेहूं का जो लास्ट पानी होता है। अगर पानी की बात करते हैं, हम पांचवा पानी चल रहा है अभी, गेहूं निकल चुका है पूरा, दिखाएंगे थोड़ी देर बाद वीडियो में। तो देखते रहिए वीडियो। चुका है, देख सकते हैं बाली ये पूरी निकल चुकी है। अभी ये लास्ट पानी सारे खेतों में चल रहे हैं। सभी भाई लोग अपने अपने खेत है, अपना यहाँ थोड़ा सा खेत है, ज़्यादा नहीं, 1.5 एकड़ करीब, तो उसमें आज लास्ट पानी देने के लिए आए हम खेत में। तो भाई पानी कुछ इस प्रकार चल रहा, देखो थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल मान के चल रहे 2 HP की मोटर का पानी भी नहीं आ रहा अभी। तो इतने में तो पानी ओलने मज़ा आएगा नहीं, तो थोड़ा और इंतज़ार करेंगे। एक भाई लोग और आया है पानी ओलने के लिए हमारे साथ में इसी नाली में, तो वही बेचारा वेट कर रहा है पानी का आने का। देख सकते हैं अभी पानी आधी दूर भी नहीं पहुंचा है खेत से, अभी बहुत समय लगेगा। और अगर पानी की बात की जाए तो भाई पांचवा पानी चल रहा है, और ये पानी तो ओलना पड़ेगा, क्योंकि गेहूं अगर अच्छी उपज चाहिए तो 5 पानी तो चाहिए चाहिए गेहूँ को। और हमारा गेहूँ जैसे निकल चुका है देख सकते हैं, तो भाई अभी पानी का इंतज़ार करेंगे हम 10-15 मिनट, पानी आएगा तभी कुछ बात बनेगी, अभी तो इंतज़ार ही करना पड़ेगा पानी का। ये गेहूं देख सकते हैं हमारा किस प्रकार है, अभी पानी आने को अभी यहाँ पे 5 से 6 मिनट और इंतज़ार करना पड़ेगा। हम जो पानी लाया अभी चढ़ाया जहाँ से, वहाँ से कभी करीबन 400-500 मीटर दूरी पर है, तो ये खेत में पानी पहुँचने में भी 10-15 मिनट लगेगा। तो गेहूं कुछ इस प्रकार है हमारे क्षेत्र का, देख सकते हैं। अगर गेहूं की बात की जाए तो 303 की वैरायटी है, और काफ़ी अच्छा है वैसे गेहूं, किस प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा घना है। और इसमें अब लास्ट पानी चल रहा है, इसमें अच्छी उपज अच्छी मिलेगी। अगर दोस्तों, अगर आपके यहाँ किस प्रकार है गेहूँ है, हमें कमेंट में बताइए। और वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।